हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अस्थालीन एंड बिटनेसोल टैबलेट के यूजेस के बारे में बताऊंगा कि यदि इन दोनों टैबलेट्स को एक साथ में लिया जाता है तो इससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यह वीडियो काफ़ी जो है नॉलेजेबल है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने से क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलने वाली है। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस समय मेरे हाथ में जो टैबलेट है यह अस्थालीन 4 मिलीग्राम की टैबलेट है और इसमें सल्बूटामोल सल्फेट मिला होता है। और दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर टैबलेट रखी हुई है यह बिटनेसोल टैबलेट है और इसका पावर 0.5 मिलीग्राम होता है। इसके साल्ट की बात करें तो इसमें बेटा मेथासोन साल्ट मिला होता है और यह एक एस्टेरॉइड मेडिसिन होता है। इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना क्योंकि एस्टेरॉइड मेडिसिन का यूज डायरेक्टली ऐसे नहीं किया जाता। बात करें दोस्तों हम अस्थालीन एंड बिटनेसोल टैबलेट के यूज के बारे में, तो इसका मुख्य यूज जो है, इसका सबसे ज्यादा यूज जो है अस्थमा पेशेंट में करवाया जाता है, यानी जिन लोगों का सांस फूलता है, उनको बार बार सांस आती है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इसका यूज करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका यूज जो है बहुत लंबे समय तक नहीं करवाना होता, क्योंकि दोस्तों इसका लंबे समय तक यूज करवाने से बॉडी पर स्वेलिंग जैसा भी होने लगता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये मेडिसिन डायरेक्टली पेशेंट पर बहुत अच्छा काम करती है। जब पेशेंट इसको लेना शुरू कर देता है तो इस मेडिसिन से पेशेंट को फास्ट रिलीफ तो मिलता है, बट इस मेडिसिन का यूज लंबे समय तक नहीं करवाया जाता है। बात करें दोस्तों इसके डोज के बारे में, तो इन दोनों टैबलेट का जो डोज होता है वो एडल्ट में एक गोली सुबह में और एक गोली शाम में, यानी दोनों में से एक एक गोली सुबह शाम लिया जाता है। और दोस्तों, आपसे बता दूं कि इन मेडिसिन का यूज जो है हमेशा खाना खाने के बाद करना चाहिए। यदि आप जो है इसका प्रयोग खाली पेट कर लेते हैं तो इससे जो है आपको नोजिया, वोमिटिंग, जी मिचलाना या फिर पेट में जो है एसिडिटी बनना, ये जो है सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बिटनेसोल टैबलेट एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं और आपको पता होगा कि एस्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो इसीलिए इन टैबलेट्स का यूज जो है हमेशा खाना खाने के बाद ही किया जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखा गया कि जब उन्हें किसी प्रकार की एलर्जी होती है तब उन्हें जो है सांस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, उनको सांस फूलने लगती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि जब उन्हें जो है जुकाम वगैरह हो जाता है, स्नोफील्स का लेवल वगैरह बढ़ जाता है, तो भी उन्हें जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अस्थालीन बिटनेसोल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, बिटनेसोल के तो बहुत सारे यूजेस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बिटनेसोल के ही बारे में बताऊंगा कि इसका यूज जो है किन किन कंडीशन में किया जाता है। और अस्थालीन टैबलेट का जो मुख्य प्रयोग है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सांस के रोगों में ही किया जाता है, यानी अस्थमा के दौरान ही करवाया जाता है। लेकिन जब अस्थालीन एंड बिटनेसोल का कंपोजिशन कर दिया जाता है तो यह टैबलेट और भी अच्छा काम करते हैं। सो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों टैबलेट्स के साइड इफेक्ट के बारे में कि पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है साइड इफेक्ट, जो मेन साइड इफेक्ट है, यदि आप इन दोनों टैबलेट का जो है लॉन्ग समय से यूज कर रहे हैं तो आपके बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, आपके जोड़ों में पेन भी हो सकता है और आपको नोजिया, वोमिटिंग, ये जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चेहरे में सूजन आ सकती है, ये जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन इन टैबलेट्स का प्रयोग बहुत लंबे समय तक नहीं किया जाता और इसका जो प्रयोग है वो अपने डॉक्टर के देख रेख पर ही किया जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी अपने जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।